हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कृणाल गज्जर है। 17 मई को वर्ल्ड एंटी हाइपरटेंसिव डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज वही हाइपरटेंशन मतलब के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किए कैसे किया जा सके उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है 120-80, जब वो 140-90 से ऊपर रहने लगे तब उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब के ब्लड प्रेशर ज्यादा होना। अब उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, सबसे पहली चीज है डाइट। डाइट में आपको सोडियम कम खाना है और पोटेशियम ज्यादा लेना है, जिसको हम डैश डाइट भी बोलते हैं। सोडियम किस चीजों में ज्यादा होता है, पापड़, अचार, नमकीन, सॉल्टेड नट्स, ऊपर से जो हम एडिशनल सॉल्ट डालते हैं उसके ऊपर, वो सारे एडिशनल सॉल्ट्स वाली चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, जैसे कि एवोकाडो, बनाना, कोकोनट वाटर, मशरूम, मसूर की दाल, स्वीट पोटेटो, स्पिनेच, ये सब चीजें हमें ज्यादा लेनी चाहिए ताकि उसमें से हमें पोटेशियम मिले और वो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके। सो ये हो गए डाइट की बात। फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। दिन में कम से कम 45 मिनट्स और ऐसे हफ्ते में कम से कम 5 दिन इतनी एक्सरसाइज हमें मेंटेन करनी चाहिए ताकि वो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके। तीसरी चीज, हमें अल्कोहल और स्मोकिंग को कंट्रोल करना चाहिए। अल्कोहल अगर आप ले रहे हो तो पुरुषों के लिए दिन में 1 ड्रिंक और फीमेल के लिए भी दिन में 1 ड्रिंक, उससे ज्यादा अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग अगर आप छोड़ते हो तो उसके सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बेसलाइन पे आना शुरू हो जाता है। तो स्मोकिंग जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ देना चाहिए अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हो। दूसरा, एक स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। दिन में 1 योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ऐसी कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर वो ना कर सको तो दिन में एटलीस्ट 1 एक्टिविटी ऐसी करो जिससे आपको खुशी मिले, आपके अंदर से आपको खुश कर सके, ऐसी 1 एक्टिविटी दिन में करनी चाहिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। और दिन में कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, वो भी उतना ही जरूरी है जितना हम डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करें। और लास्ट में, हमें हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए। घर पे एक डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे दिन में 2 बार हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर जाए तो हमारे डॉक्टर को हमें कंसल्ट करना चाहिए और उसके लिए जो जरूरी मेडिसिन है उसको रेगुलर लेना चाहिए। अगर ये सब प्रिकॉशन हम ले तो हम हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है तो ब्रेन हेमरेज, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ब्लड प्रेशर एक बेसिक चीज है जिसे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।